भी है, सुनो तो दीवाना दिल, ठीक है। एंड ये है 4 मार्च के लिए रीडिंग। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ट्विंकलिंग मिरेकल, फॉर्चुगी एंड मूनोलॉजी। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो हाँ, लेट्स जस्ट कनेक्ट विद द ट्विन फ्लेम ओरेकल। बहुत ही बड़ी ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट कार्ड दिस वन, रन स्लोली। वाओ, ये कार्ड आ गए हैं पहले। मे बी फॉर दिस पर्सन टुडे इज वेरी एसेंशियल कि भाई आज ये बहुत शांति से आगे बढ़े। मतलब कई बार दिल की धड़कनें तेज होती हैं एंड दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं, बात करूँ, फ़ोन करूँ, मिलूँ, यू नो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर्सन को शांति से आगे बढ़ना है, कोई भी हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना है, ठीक है। कई बार हम करने चाहते हैं कुछ और होता है कुछ, यू नो, मतलब स्वीट आलोवे कहना होता है और फिर अचानक बहस हो जाती है एंड फिर वो चीज़ें तकलीफ देती है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट। तो इस पर्सन को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव से अगर हम कहें तो ज़्यादातर शायद बदलाव हो सकते हैं उनके ड्रेसिंग स्टाइल में, या फिर अगर उन्होंने खुद को ग्रूम नहीं किया है, लाइक बाल नहीं काटे हैं, दाढ़ी नहीं की है वगैरह चीज़ें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी शायद आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं जब वो सेट होके आते हैं, या फिर यू नो स्पेसिफिक स्टाइल को कैरी करते हैं, लाइक ऐसी कुछ अगर बात है कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो मे बी और एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लोनलीनेस। तो हाँ भाई, अकेलापन तो टॉर्चर कर रहा है इनको, एंड अकेलापन का मतलब है कहीं ना कहीं आपके और उनकी यू नो बातें अधूरी हो सकती है, ठीक है। भाई आप बात करने लगे एंड फिर कुछ काम आ गया इनको, फिर बात नहीं हुई, या फिर किसी कारणवश आप उनको मिल नहीं पाए, तो वो एक चीज़ हो सकती है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है गो टुगेदर। सो देन ये पर्सन वही यही चाहता है कि भाई आप दोनों साथ में आए एंड ये अपने दिल का जो भी गम है आपके साथ शेयर करें, जो भी बातें आपके साथ शेयर करें, ताकि लोनलीनेस इनको महसूस ना हो, ठीक है। ये था रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम। और अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। फाइनली विल टेक अ लुक एट द फॉर्चून कुकी, ठीक है। हम करते हैं शफलिंग। हियर वी गो एंड वी गो हियर, ठीक है। चलो फर्स्ट कार्ड दिस वन जो कि है भाई अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। न्यू मून इन वर्गो, तो कन्या राशि का ये मून है। क्या गया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब कि भाई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। सेकेंडली अपना बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। कई बार आपने ऐसे भी लोगों से बातचीत की होगी जो सिर्फ आपको बदलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन खुद नहीं बदलते। तो ये पर्सन जैसे कि एनहांसमेंट कार्ड आ गया था, कहीं ना कहीं अगर ये गलत है या फिर अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, यू नो मे बी इनको पता है कि ब्लू ड्रेस में काफ़ी अच्छे रहते लेकिन फिर भी नहीं पहनते, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। तो आज इनको साबित करना है कि क्या ये सच में आपके लिए अपने आप को बदल सकते हैं। देखो, बदलना सिर्फ एक दिन का नहीं होता, जब आगे मौका मिलेगा, जब मे बी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो जाएंगे, तो क्या ये आपके लिए खुद को चेंज करेंगी, ये भी उतना ही मैटर करता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है मेडिएट एंड कंटेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस, तो मीन राशि आ गई है। भाई ध्यान करना और ध्यान को आगे ले जाना, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत बारीक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि मे बी जब सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, या फिर अगर आप साथ में रहते हो तो पर्सन किसेस यू ऑन योर चीक्स, तो एक बहुत ही हल्की एंड बहुत ही धीमी शुरुआत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड को फ्रेंड से बात करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई क्या हो रहा है, है ना। तो ध्यान करना मतलब कि भाई जो ये एग्जैक्टली मतलब आप दोनों क्यों साथ में हैं या फिर क्यों कनेक्टेड है, वही तो रीज़न होगा, उस रीज़न को ढूंढ निकालना। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो कुंभ राशि का ये मून है, तो ये एक्चुअली में है क्या सच में, मे बी अगर आपसे प्यार करते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, जो यू नो टॉर्चर करते हैं कि हाँ ऐसा है तो दिखाओ, उस लड़की का नाम क्या हो बताओ, वगैरह वगैरह। देखो ये किसी और के लिए नहीं होता, अगर प्यार है तो प्यार दिल में रहेगा, और ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्यार महसूस करने की चीज़ होती है, ठीक है। अगर सच्चा प्यार है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आता है। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है कम्युनिकेशन इज की। तो ये जो कार्ड है न्यू मून इन जेमिनी है, तो एज पर जेमिनी, जो जेमिनी जैसा रहता है, कम्युनिकेशन यानी कि बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। बात करना मतलब कई बार क्या होता है ना कि इंसान डरता है या फिर बस चुप ही रहता है, बहुत मन में लड्डू फूटते रहते हैं, फिर ऊँचा रहते हैं कि आज कम्युनिकेट करूँगा, कल कम्युनिकेट करूँगा, ये बात करूँगा, लेकिन बात ही नहीं कर पाते। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ज़्यादा तौर पे साफ तौर पे दिख रही है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। और अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो।
एक दो एंड तीन चार, ठीक है, चार कुकीज आई हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहली जो कुकी है वो है ट्रैवल, एज यू कैन सी। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और कम्युनिकेशन नहीं हुआ है एक दो दिनों से, हफ्तों से, तो आज शायद होने के चांसेस हो सकते हैं। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है कमिटमेंट। वाह, तो कमिटमेंट जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर कहीं ना कहीं इन पर्सन को कमिटमेंट की याद दिला देना कि भाई हमने कुछ सोचा था, चाहे फिर आप मैरिड हो, कमिटमेंट हो कि भाई हमें नई गाड़ी लेनी है या फिर हमें कुछ साथ में कुछ करना है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे कुछ हॉबी हो, यू नो, कुछ अच्छा काम करते हैं या फिर डोनेशन करते हैं, हमने कहा था बिल्ली अडॉप्ट करनी है, जो भी हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंडशिप, ठीक है। सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप मतलब देखो, आप दोनों के बीच का जो भी स्ट्रेस और तनाव है ये दूर होना चाहिए। एंड यही चीज़ इनको बार बार आज शायद याद आ सकती है कि एक तरफ तो लव साइड है जहाँ पे प्यार है, एक तरफ फ्रेंडली साइड है जहाँ पे आप मतलब बिल्कुल भी डरे बिना एंड बिल्कुल भी सोचे बिना बात शेयर करते हैं जो भी उनमें आए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता बन जाता है वो। एंड जो फाइनल कार्ड है ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो भाई जो भी आज ये सोच रहे हैं थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है वो चीज़ें, यू नो, मतलब कहीं लेफ्ट पे जाना था तो राइट पे चले गए, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चीज़ें बाद में सही हो सकती है। ये कार्ड इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, एंड उसको लग रहा है कि अभी मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जिंदगी में आप कुछ भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते। कई बार मोमेंट ऐसे आते हैं कि आप बस सोचते रहते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें होती नहीं हैं। तो आज जितना भी रीडिंग हमें मिला है या हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को मिला है कि देखो इस पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं कि ये एक तरफा मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है एंड अपनी लाइफ में बिजी हैं, एंड इसके हिसाब से आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए, आप उसे प्यार करते हो और इसीलिए आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपकी भी कुछ इच्छाएं भावनाएं हैं एंड यू डू एक्सपेक्ट दैट। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड कनेक्ट विद दिस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल एंड दिस पर्सन शुड रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही उनको समय मिलता है या फिर जैसे ही वो अपने घर आते हैं, ऑफिस खत्म कर गए या फिर ऑफिस में समय मिलता है कि भाई क्या समस्या है इनको, क्या कोई मेजर इशू है, फाइनेंशियल इशू है, क्या उनकी ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो रहे या फिर अंदर से डर गए हैं, ये जो भी चीज़ें हैं अगर वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप दोनों को जिंदगी में आगे बढ़ना काफ़ी सही हो जाएगा एंड जो भी डर है वो दूर हो सकता है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।